हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज हम जा रहे हैं कौंडल जी के साथ। कपड़ा वाला दे दे, चलो। हाँ, उर्वी को मत बिठाइयो इस साइड ना। तो बस निकल रहे हैं, निकल चुके हैं एकदम घर से, बैग डाल दिया ना। तो इसको बस यही खुशी है इस बात की कि मेरे को पीछे बैठने को मिल रहा है। पीछे सीट बेल्ट लगा। तो बस यहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम पहुंचने वाले हैं सबको। इसको बोलते हैं नीरज पिंगल नाला। अच्छा, पिंगुल नाला, पिंगल नाला, पिंगू, पिंगुल नाला, पिंगुल। अच्छा, क्या अचीव कर रहे अभी? आ रहे तो तनु के मम्मी और मनु, तनु मनु और तनु मनु की मम्मी। कहाँ पहुंचे अभी? ली बस से, नॉन स्टॉप बोल बोल वही वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने बजे पहुंचती हो? पता नहीं, जल्दी आ जाएगी, जितने आप पहुंचेंगे शायद उतने में वो पहुंच जाएगी, उससे आधा पौना घंटा टाइम लगेगा। नेट 5:30 पहुंच जाती हो। अच्छा, तो अभी चाची भी आ रहे हैं और हम जा रहे हैं माता के मंदिर। वैसे तो हमने उर्वी को लेके, हम उर्वी को लेके जा चुके हैं ना, मत्था टेकने जा चुके हैं, बट अभी हमने हवन की वो की थी कि हम हवन भी करवाएंगे, तो बस हवन करवाने जा रहे हैं अभी। मैंने अपनी लिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे गाने भरे हैं, मैं चलाऊं? पहले मेरे को अपना गाना सुनने दे तू। बहुत खराब हो यार, जब अपने गाने की थी तब मैं तेरे को गाना सुनाता हूं। ले ले तू रिहाई ले ले मेरे को। वही दिन जो कल सुन रहे थे आप? हैं मैं? हां अच्छा था ना। अभी देख रहे होंगे कि बिल्कुल रात से शुरू हो रहा है। जी हाँ, तो अभी हम जो है रानीताल में हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये रानीताल के जो यहाँ पे लगे हुए हैं गोलगप्पे और बर्गर वाले वहाँ पे। तो अभी हमने गोलगप्पे खाए, बर्गर खाए और अभी हम निकल रहे हैं बनखंडी की तरफ, माता बनखंडी मतलब बगलामुखी माता के मंदिर में। हमने हवन रखवाया तो बस वहीं पर जा रहे हैं अभी। तो वो हमने पहले से ही बुक कर, जल्दी हो जाएगा हमारा मतलब अभी शाम को ही, और उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। पर अभी पता नहीं मुझे कि वहाँ पे मंदिर में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी क्योंकि हमने नॉर्मल जो शांति पूजन के लिए हवन होता है ग्रहों की शांति के लिए वो रखवाया है, तो वो करवाएंगे अभी जाके। बस हम वेट कर रहे हैं चाची का, सुमन चाची का मतलब तनु के मम्मी जो है वो, और मनु मतलब तनु का जो भाई है मनु वो। तो ये सब लोग गाड़ी से उतरे हुए हैं फिलहाल, हम भी गाड़ी से बाहर ही थे, वो बर्गर वगैरह खाया अभी। बस अभी उनकी जो है वो वहाँ से निकले हैं घुमारवी से, हम लोग धर्मशाला से निकले थे, तो बस उनका इंतज़ार कर रहे हैं अभी कि आएंगे तो फिर सब साथ में चलेंगे। तो आज जो है बगलामुखी माता के जो दर्शन है वो आप सबको भी करवाएंगे, और माता रानी आप सब पे भी अपनी कृपा बनाए रखे और आप सबकी जितने भी दुख तकलीफ जो भी है कष्ट है सबको हर ले। तो बनखंडी जो है मतलब वन देवी, शायद जहाँ तक मुझे पता है वन की देवी इस तरीके से भी बोला जाता है उनको। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, वैसे अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है, तो वहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह होगी तो थोड़ा बहुत व्लॉग जैसा भी होगा वैसा मैं शूट करूँगी, अगर नहीं कर पाई तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। अभी अगर हाँ कर दिया तो फिर तो वो तो आप इसके बाद देखेंगे ही देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखो परी अपने पापा के पास और आदित्य ये जो है बाहर घूम रहे हैं, तनु भी है वो भी इधर उधर आगे पीछे कहीं है, इस टाइम पे तो नहीं है यहाँ पे मतलब हमारे साथ आया बट गाड़ी से उतर गया है अभी। तो उर्वी पहले मेरी गोद में थी, फिर इसको लगा कि पापा आदित्य कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, तो फिर वो पापा और आदू के साथ चली गई।
जो है आप देख सकते हैं कि माता रानी के मंदिर में हम लोग पहुंच चुके हैं और जो डेकोरेशन है वो बहुत ही खूबसूरत इस टाइम पे हो रखी है। तो रीज़न तो मुझे नहीं पता, पर आई थिंक बहुत पहले से हो रखी थी। फूल वैसे फ्रेश ही लग रहे थे, इतने पुराने नहीं लग रहे थे। और यहाँ पे हम इंक्वायरी कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम हवन करवाने के लिए आ रहे हैं, तो अगर आपको भी कभी हवन करवाना है तो जो इंक्वायरी जो ये बने हुए हैं यहाँ पे बूथ जैसे, यहाँ पे आप अपना हवन जो है उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस में कुछ बहुत ज़्यादा पहले बुक करवाने की ज़रूरत है, आओ और बुक करवाओ। जैसे ही कोई पंडित जी वहाँ पे अवेलेबल होंगे वो हवन करवा देते हैं। तो अभी चलिए मंदिर की तरफ, माता रानी के दर्शन भी कर लेते हैं और हवन के लिए हमारे जो पंडित जी है वो हमें जैसे ही फ्री होंगे वैसे वो खुद जो है कॉल करके बुला लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि डेकोरेशन ना सच में बहुत खूबसूरत हुई है। और जिस टाइम पे हम पहुँचे उस टाइम पे माता रानी को भोग और आरती का टाइम था। आरती तो हो चुकी थी लेकिन भोग लगने का जो टाइम है वो हो रहा था। तो यहाँ पे जो है अभी मैं साउंड करूँगी तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए वॉइस ओवर में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ सारा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है माता बगलामुखी मंदिर, बनखंडी भी बोलते हैं, बगलामुखी भी बोलते हैं। तो काफ़ी सुंदर मंदिर है, बहुत सारे हवन कुंड यहाँ पे बने हुए और डेकोरेशन हर जगह ही बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे हो रखी है। और ये माता रानी की जोत है जो हर वक्त जलती रहती है, तो अभी भोग लगाएंगे तो यहाँ पे आके भी लगाते हैं। और मेन जो मंदिर है वहाँ पे तो लगता ही लगता है, लेकिन जितनी देर भोग लगता है ना उतनी देर जो श्रद्धालु होते हैं उनको बाहर ही रुकना पड़ता है, उनको अंदर नहीं जाने देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर माता रानी को भोग लगता हुआ। तो अभी जो है हम हवन वगैरह करवा के फ्री हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगता है, आधे पौने घंटे में हमारा पूरा काम हो गया है। हाँ शूज़ पहनो। तो जी हम लोगों ने पूजा कर ली है और अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पहुँच गए हैं घर पे और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और हम रात को 12:15 बजे करीब जो है घर पहुँच गए थे। तो उर्वी के लिए खिचड़ी चढ़ाई है चूल्हे पे और गैस पे और चूल्हे में जली है आग। तो एकदम ना जुकाम हो गया क्योंकि रात को यहाँ पर ना एकदम ठंड। आ जाओ आप मेरे साथ बैठो उधर, अभी जाओ पानी लाने के लिए। मैं मना भी करती रही सुबह सुबह मत लेके जाओ, बहुत ठंड है यहाँ पे बाहर। और ये देखो चूल्हे में आग जली हुई है यहाँ पे भी पानी गर्म होता है, गीजर में भी पानी गर्म हो जाता है। और थोड़े टाइम पहले बड़ा हादसा जो हमारे घर पे हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो ये हमारा गीजर ना जल गया। अब पता नहीं, मम्मी तो कह रहे हैं कि मैंने स्विच ऑन नहीं रखा था लेकिन लाइट आने के बाद ना वोल्टेज हाई वोल्टेज की वजह से ये जला। मम्मी कह रहे हैं कि मैंने स्विच ऑन नहीं रखा था यहाँ से गीज़र वाला, और हमें समझ नहीं आ रहा फिर अगर उन्होंने स्विच ऑन नहीं रखा था तो ये कैसे जल गया ये नहीं पता चला। ले जाने आओ देखो अम्मा, मैं बोला मैं क्या चूल्हे के पास बैठना अपने आग देखने के लिए, बोल रहे नहीं ऐसी आदत नहीं डालनी चूल्हे के पास बैठने वाली, क्योंकि फिर बैठना शुरू कर दो तो फिर उठने का मन नहीं होता यहाँ पे चूल्हे के पास से। तो ये ना चूल्हा थोड़ा गलत बना है, इसमें ना आग नहीं बैठे रहो तो जलती है, अगर ऐसे जला के छोड़ दो तो नहीं। इसके ना ये वाला थोड़ा डीप बना था नीचे, वो गहरा बनना था, वो नहीं किया है। इसी प्लेट में आलू काटे हैं, इसी का ढक्कन लगा दिया है। तो ये देखो आलू गोभी जो है बनके तैयार हो गई है। कहाँ जा रहे हो? बाय कर दो मम्मा को। बाय मम्मा, बाय मम्मा, आई लव यू, आई लव यू। चल थोड़ी पर्सी उठा के मेरी हीरोइन। अच्छा इस मैम को प्यास भी लग जाती है बीच बीच में, बस छोड़ दो अब, बॉटल रख दो। हाँ अच्छे जाओ अब, बाय
बाय मैम, बाय बाय यार, बाय 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 बाय। तो मम्मी ने फिलहाल अब थोड़ा सा ऊंचा करके बना दिया है चूल्हा, तो ये रहा हमारा चूल्हा और फूल ही फूल लगे हैं इस बार। और ये रही हमारी तुलसी मैया, और ये देखो गेंदे के फूल, बहुत सुंदर लगते हैं आंगन में। और यहाँ पे साग सब्जियाँ सब कुछ मम्मी ने लगा रखा है। ये रहे साग धनिया, ये देखो यहाँ से दिखाते हैं, ये तो एलोवेरा है। अगर मैं घर पे होती तो मैंने रोज़ सिर में लगाया करना था ये बालों में, रोज़ तो नहीं एक दो दिन छोड़ के। और ये धनिया, ये मूली, और ये लहसुन है आई थिंक, ये देखो। और खेत में जो है आई थिंक ट्रैक्टर से करवाया मम्मी ने। और वो जो हमने कभी छोटा सा नींबू का पौधा लगाया था वो इतना बड़ा हो चुका है, दो लगाए थे नींबू के, एक वो उधर भी लगा हुआ है। और बेल पत्र के भी लगाए हैं मम्मी ने, वो भी लग चुके हैं। तो ये देखो उर्वी वहाँ खेल रही है। सामने का ना व्यू बहुत ही मस्त है, मैं छत पे जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखो धौलाधार दिखाई दे रही है ना, बर्फ़ से ढकी हुई एकदम, बहुत ही सुंदर लगती है। मैं छत पे जाके दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो लोगों ने वोट डालने के लिए जाना जो है शुरू कर दिया है, क्योंकि 8 बजे से वोटिंग स्टार्ट है। तो लोग चल दिए, ऑलरेडी गाड़ियाँ गाड़ियाँ जा रही है। और मैं छत से आपको दिखाई देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा ऐसे घूमने फिरने का एकदम भी, क्योंकि वोट डालने जाएंगे, बच्चों को रेडी कर रहे हैं अभी। धौलाधार दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है इस टाइम पे। ये देखो जी सामने धौलाधार, जो मुझे ऐसे क्लियर नज़र आ रही है, आप लोगों को इतनी नहीं इसमें समझ आ रही है, बट ये देखो नज़दीक से दिखाओ। ये देखो, और पीछे कोयल की कू कू की आवाज़ तो आपको सुनाई दे ही रही होगी। आप दिखाते हो एकदम 4K रिकॉर्डिंग में। ये रहा हमारे घर के पीछे के खेत, जो हमेशा आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए सामने का ऑसम वाला व्यू, सुंदर सुंदर धौलाधार। और ये देखिए ये घर के सामने वाली पहाड़ी, और ये हमारी गाड़ी, और हमारा एक्चुअल गांव इधर ऊपर की तरफ है। पुराना घर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और ये हमारे आसपास का एरिया जो है, और आपको दिखाऊं, वो देखो चंद्रमा नज़र आ रहा है आपको अभी भी थोड़ा सा, सुबह के 8 बज रहे हैं लेकिन चंद्रमा भी अभी है। और सूरज तो अभी, एक मिनट में बताती हूँ, इस तरफ से आपको रोशनी दिखाई दे रही होगी सूरज की थोड़ी थोड़ी। तो सूरज की ये देखो, ये रहे सूरज चाचू। ऊपर से बहुत सुंदर लगता है आंगन। और अभी बहुत जल्दी जो ये आंगन है हमारा, ये भी बन ही जाएगा। तब तक के लिए फ़िलहाल अभी ऐसे ही मैनेज करते हैं, क्योंकि बजट बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है मकान बनने के बाद। ये देखिए, तो आप लोग जो है बोलते रहते ना कि जल्दी से आंगन बना लो, आंगन बन जाएगा तो घर की लुक चेंज हो जाएगी। हाँ जी, हमें पता है कि लुक चेंज करने से ज़्यादा हमें बच्चों का है, क्योंकि अभी थोड़े पत्थर वत्थर हैं यहाँ पे। खैर आंगन तो बिल्कुल प्लेन कर ही दिया है, लेकिन हम इसको पक्का करेंगे अभी, लेकिन अच्छी चीज़ों को होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस अभी प्रोसेस जो है शुरू होने ही वाला है बहुत जल्दी। तो क्योंकि फेब्रुअरी या मार्च में मेरे जो ससुर जी हैं उनकी रिटायरमेंट भी है, तो हम सोच रहे हैं कि जब वो आ जाएं घर उसके बाद ही ये सारे काम करवाएं, क्योंकि मम्मी के साथ अम्मा भी है और अम्मा को अब एकदम बच्चे की तरह संभालने वाली स्थिति हो चुकी है। तो ऐसे में चीज़ें मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और आपको पता ही है कि नीरज की जॉब ऐसी है जिसमें बहुत फ्रिक्वेंटली छुट्टी वगैरह नहीं मिलती है, बच्चों के स्कूल भी होते हैं तो इतना जल्दी आना जाना नहीं होता। ये तो हम फिर भी सेकेंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे को जैसे ही मौका मिलता है हम आ ही जाते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है, हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि धर्मशाला से बिलासपुर इतना भी नज़दीक नहीं है।
4-4.5 घंटे का ट्रैवल टाइम हो ही जाता है और फिर आना जाना बहुत ज़्यादा थकाने वाला हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अब नीचे, करते हैं अब तैयारी। पानी भी आ गया है फिलहाल और अब रेडी हो जाते हैं। मैंने तो खैर कपड़े वपड़े पहन लिए हैं, अभी मुझे कंघी करनी है, क्रीम वगैरह लगानी है और आई एम रेडी टू गो। आदित्य और रूटवी को उसके पापा नहला रहे हैं, फिर वो लास्ट में खुद नहाएंगे और फिर हम चले भी जाएंगे। वैसे हम लोगों को देखो ना, इतना सुंदर व्यू है, ऐसे लोग तरसते हैं पहाड़ों पे आने के लिए, इतने सुंदर व्यू को एंजॉय करने के लिए। वो सामने धौलाधार की जो बर्फ़ है ना, नज़दीक से मतलब मेरी आंखों के सामने कुछ अलग ही व्यू है जो कि कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता है बहुत सारी चीज़ों को जो हमारी आंखें देख पाती है सामने से, वो कैमरा में इतना क्लियर नहीं होता है। हमेशा बोलते हैं ना कि आपके घर के आसपास किसी का घर नहीं है, तो ये रहा हमारा घर और ये सामने की तरफ, यहाँ पे 2-3 घर है, एक ये है, एक थोड़ा ऊपर की तरफ है और नीचे भी है। तो ये रहे मेरी परी के कपड़े और पूरी लाई दी भैया गई ताड़ ले। पहले क्या परांठे बनाया और रसगुल्ला बनाया। हाँ बार परांठे खाए मैंने, चले सारा दिन संध्या पूजन करे। 8 बजे निकलने वाला युवक 10:15 बजे और युवती 10:15 बजे जूते पहन रहा है। युवती के बारे में क्या कहेंगे? युवती वाज रेडी, युवती वाज रेडी ऑन टाइम, युवती में से बाल उठी। हाँ फिर आधा घंटा युवक ने आधा घंटा यहाँ इस दरवाजे के अंदर आधा घंटा क्या किया युवक ने? युवक ने दरवाजे के अंदर कुछ चीजें दरवाजे के अंदर ही रहनी चाहिए, पर्दे नहीं की जाती, खुलेआम पैखाना कोई नहीं करता। अच्छा करते थे पहले? चलो भाई मैंने ले लिया डंडा। हाँ चलो आ जाओ। वैसे मम्मी जी टाइम हो गया है 9:45, हमने सोचा था 8 बजे जाएंगे, 8 बजे वोटिंग स्टार्ट हो जाती है, बट फिर भी धीरे धीरे लेट करते 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 टाइम लग ही गया। तो ये रही मेरी परी पूर्वी और ये रहा आदित्य। कहाँ से लगाऊँ, काजल नहीं है तो बस ऐसा ऐसा है। और अब हम निकलते हैं और अब देखते हैं अगली डेस्टिनेशन पे, क्योंकि जहाँ पे वोट्स होंगे वहाँ पे तो क्या ही वीडियो बनानी है ना, वहाँ पे आई थिंक वीडियो अलाउड भी नहीं होती और बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ऐसा है, बस आना जाना ही हुआ और आज हम लोगों को वापस जाना है क्योंकि कल संडे है और आदित्य का भी हमने होमवर्क वगैरह कुछ नहीं करवाया, इसकी स्कूल ड्रेस वगैरह है वो भी वॉश करने के लिए है और आपको पता ही है घर पर बहुत सारे काम होते हैं, तो कल का दिन तो उसी में निकल जाएगा। इसको नहीं पकड़ाओ, इसको नहीं दो, जेब में डालो पैसे, जेब नहीं आपके पास? हाँ आगे डाल दो, डाल दो। तो जी ये जो व्लॉग है इसको मैं अब यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ कल नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। और गांव का जो व्यू है आई होप कि आपने आज इन्जॉय किया होगा, पूरी धौलाधार जो मैंने आपको दिखा दी है। तो चलिए अब हम भी निकलते हैं घर से और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।